अवैध शराब तस्करी के धंधे पर नकेल कसने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ नशा तस्करों के खिलाफ अपना एक अभियान सा छेड़े हुए है और इस अभियान के बीच में सफलता भी हासिल कर रही है। अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा पुलिस ने शराब से अटे पड़े एक ट्रक को काबू किया। नाकाबंदी के दौरान अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को अपने कब्जे में लिया। अंबाला पुलिस ने देर रात जानकारी मिलने के आधार पर नाकाबंदी करते हुए वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस अवैध शराब से भरे एक आरजे नंबर के ट्रक को पकड़ने में कामयाब हो गई। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। मामले में एसएचओ का कहना था कि ट्रक की तलाशी के दौरान 1200 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है, जिसमें देसी शराब भी शामिल है। अब इसमें मामला दर्ज करने के बाद आगे आबकारी विभाग अपनी कार्रवाई में लगा है। मौके पे एक्साइज इंस्पेक्टर मोहन राणा आया, उससे शराब को उतरवा करके पूरी तरह खाली कर देते और उसको चेक किया कि उसमें करीब 1250 पेटी देसी शराब प्लस कुछ अंग्रेजी की बोतलें थी, वो हमने रिकवर की और उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम अमल में ला रहे हैं। ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद किया हो, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद नशा तस्कर रुकने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि वो नकेल कसते हुए नशा तस्करी के इस धंधे की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख देगी।